हेलो एवरीवन गॉड ब्लेस यू ऑल एंड अ स्पेशल थैंक यू फॉर ऑल माई सब्सक्राइबर्स थैंक यू सो मच आज हम बात करेंगे उन साइंस की उन सिग्नल्स की जो यूनिवर्स हमें हमारी मैनिफेस्टेशन पूरी होने से पहले देता है हमारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में जब हम हायर वाइब्रेशन की तरफ चल रहे होते हैं बढ़ रहे होते हैं तो हम परेशान ना हों उदास ना हो इसलिए यूनिवर्स हमें बीच बीच में सिग्नल्स देता है ये बताने के लिए कि आप राइट right ट्रैक पे हैं तो सबसे पहला सिग्नल जो वो देता है ग्लिम्स ऑफ समथिंग जिस विश को जिस डिज़ायर को हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो उसकी एक हल किसी झलक देता है कैसे एग्जाम्पल मान लीजिए कोई इंसान किसी स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहा है नो no कॉन्टैक्ट चल रहा है या रिश्ता इतना अच्छा नहीं है थोड़े से टाइम के लिए वो इंसान आता है उससे बातचीत होती है किसी न किसी तरीके से कांटेक्ट होता है या वो आपके आसपास नज़र आता है कोई मैसेज आ जाए या कोई कॉल आ जाए या कहीं पे थोड़ी बहुत देर के लिए मिलना हो जाए ये बताने के लिए कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक ये आप ही का है दिल छोटा मत कीजिए और थोड़ी मेहनत कीजिए अपनी वाइब्रेशंस पर और थोड़ा काम कीजिए आप वहाँ तक ज़रूर पहुँचेंगे उस हल्की सी ग्लिम्स के बाद वो एकदम से गायब भी हो जाता है वो इसलिए होता है क्योंकि अभी आपकी वाइब्रेशंस उस लेवल तक नहीं गई हैं बट येस आप राइट ट्रैक पे हैं आप सही जर्नी में हैं थोड़ी सी मेहनत और कीजिए और वो चीज़ आपको मिल जाएगी सेकेंड यूनिवर्स जो आपको आपकी विश की आपकी डिज़ायर की जो हल्की सी ग्लिम्स दिखाता है उसके बाद यूनिवर्स ऑब्ज़र्व करता है कि आपका बिहेवियर कैसा है आप अपनी विश की छोटी सी झलक के बाद कैसे उसे हैंडल करते हैं कैसे उसे मैनेज करते हैं वो ऑब्जर्व करता है कि अगर ये विश आपकी लाइफ में आ गई या ये डिज़ायर पूरी हो गई तो क्या आप उसे मैनेज कर भी पाएंगे या नहीं कहीं आप उसे हैंडल ही ना कर पाएँ आपकी स्ट्रेंथ आपकी कैपेबिलिटी को ऑब्जर्व करता है कैसे इसको भी फिर से एग्जाम्पल से देखते हैं मान लो आप किसी एस पी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत टाइम से नो कांटेक्ट चल रहा है या या जिस तरीके से आप अपने रिलेशनशिप को शेप में दे देखना चाहते हैं वो नहीं चल रहा है ग्लिम्स के तौर पे थोड़े टाइम के लिए वो काफ़ी अच्छा रिस्पांस दे रहा है सामने वाला बंदा एंड आपकी बातचीत शुरू हो गई है या कोई एक मैसेज का आदान प्रदान हुआ या कोई एक कॉल आ गई या आपने कभी मिल लिया उससे उसके बाद आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं आप उसे एकदम से सर पे बिठा लेते हैं बिछ जाते हैं या खुशी के मारे उछलते फिरते हैं उस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करते हैं आपका जो नेक्स्ट मूव है मैनिफेस्टेशन आपके पास आने का वो डिपेंड करता है कि आप कैसे बिहेव कर रहे हैं आप कैसा रिस्पॉन्स दे रहे हैं तो जब भी यूनिवर्स आपको वो ग्लिप्स देता है या वो छोटा सा एक मैनिफेस्टेशन का जो छोटा सा सपना दिखाता है तो उस दौरान खुद को इमोशनली बैलेंस रखिए यूनिवर्स को थैंक यू कहिए जो भी प्रैक्टिस आप कर रहे हैं उसमें किसी भी किस्म की कोताही ना कीजिए उसको एज इट इज़ करते रहिए यूनिवर्स को ढेर सारा थैंक यू बोलिए एंड अपने इमोशंस को अपनी खुशी को अपनी उदासी को जो भी इमोशन आ रहे हैं अपनी एक्साइटमेंट को थोड़ा सा कंट्रोल में रखिए और ओवर एक्साइटेड होकर ओवर जॉयड होकर आप बहुत ज़्यादा एक्शन ना लें सामने से एकदम से बिछ ना जाएं उसको सराखों पर ना बिठा लें पेडेस्टल पे ख़ुद को रखिए इम्पॉर्टेंस खुद को, को दीजिए क्योंकि जब आप खुद को इम्पॉर्टेंस दे रहे हैं पेडेस्टल पे खुद को रख रहे हैं तभी वो चीज़ अट्रैक्ट होके तभी वो इंसान अट्रैक्ट हो के आपकी तरफ आया है अगर आते ही उसको वी ट्रीटमेंट दे दिया तो जी हो सकता है वो वहीं रुक जाए तो इसीलिए टॉप पे खुद को रखिए अपने इमोशन को बैलेंस कीजिए इमोशनली बैलेंस रहिए मैनिफेस्टेशन की जर्नी के दौरान भी और मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाने के बाद भी थर्ड जो सिग्नल देता है यूनिवर्स बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन देता है आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने से पहले ऐसे लगता है जैसे बहुत सारी हर्डल्स एक साथ आ गई हैं बहुत सारी रुकावटें आ गई हैं यूँ लगता है कि 360 डिग्री पूरी जर्नी घूम गई है हम जिसे चाह रहे हैं या जिस चीज़ को मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हैं वो और दूर चली गई है तो चैलेंजेस को हर्डल के तौर पे नहीं ब्लेसिंग्स के तौर पे देखिए बिकॉज यूनिवर्स आपको रेडी कर रहा है यूनिवर्स आपको उस विश उस डिज़ायर के कैपेबल बना रहा है चैलेंजेस आर लाइक पजल्स जब वो सॉल्व होती हैं तो नए दरवाज़े खुलते हैं नए डोर ओपन होते हैं बिल्ड कैपेसिटी टू हैंडल योर विश योर डिज़ायर एंड योर सेल्फ इमोशनली चैलेंजेस को हैंडल कीजिए ख़ुद को प्रूव कीजिए कि यस आप अपनी डिज़ायर्स के लिए एब्सोल्यूटली डिज़र्विंग हैं आप कैपेबल हैं उस डिज़ायर को पाने के लिए और उसे अपने पास रखने के लिए एंड फोर्थ वन लॉस जब भी हमारी ज़िंदगी में कोई नया अराइवल होता है जब भी हमारी लाइफ में कोई नई चीज़ आती है तो कोई एक पुरानी चीज़ चली जाती है मैनी ऑफ टाइम्स ऐसा होता है कि जब भी कोई लाइफ चेंजिंग मैनिफेस्टेशन हमारी पूरी हो रही होती है तो हमें लॉस का सामना करना पड़ता है मे भी कोई इंसान ज़िंदगी से चला जाता है कोई चीज़ निकल जाती है कुछ भी वो लॉस छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है सामान का चीज़ का इंसानी ज़िंदगी का रिलेशनशिप का कोई एक रिश्ता टूटता है नया रिश्ता जुड़ता है जहाँ एक दरवाज़ा बंद होता है वहाँ दूसरा दरवाज़ा खुलता है तो जो लॉस है वो भी एक आ, सिग्नल है यूनिवर्स का कि डोंट वरी कुछ नया कुछ बेहतर और कुछ बहुत ही ख़ास आपकी ज़िंदगी में आने वाला है तो जो भी सिग्नल्स जो भी साइंस यूनिवर्स हमें दे रहा है वो हमें स्ट्रांग बनाने के लिए दे रहा है बेटर पर्सन बनाने के लिए दे रहा है घबराना नहीं है चैलेंजेस को ब्लेसिंग्स की तरह लेना है किस्मत वाले हैं हम जो चैलेंजेस मिल रहे हैं हमें नए लेसन मिल रहे हैं और उन सब से बाहर निकल कर हम एक बेहतर और पॉजिटिव मैजिकल पर्सनैलिटी में बदलने वाले हैं तो इस जर्नी के दौरान अपना लेज़र फोकस अपने अलाइनमेंट पे रखना है जो भी प्रैक्टिसेस, जो भी टेक्निक्स हम फॉलो कर रहे हैं हमारा एम होना चाहिए कि हम अलाइनमेंट में रहें हमारी वाइब्रेशंस हाई रहें डेली हम इम्प्रूव करें खुद को और बेटर पर्सन बनाने की कोशिश करें एंड ये अफर्म कीजिए दैट एवरीथिंग इज़ पॉसिबल फॉर मी एंड आई एम अनस्टॉपेबल आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर मैं और मेरा कंटेंट आपकी लाइफ में थोड़ी बहुत भी वैल्यू ऐड कर पा रहा है प्लीज़ लाइक शेयर Comment and subscribe. Bye bye.